यूपी के 15 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, दिल्ली में चलेगी तेज हवा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। देश की राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज सतही हवा चलेगी, वहीं तापमान भी लोगों को थोड़ा परेशान करेगा। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज के मुकाबले शनिवार का तापमान 1 डिग्री कम था, वहीं सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत 60 है। कल यानी सोमवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश या बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। फिर इसके अगले 2 दिन तापमान में वृद्धि होगी। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 26 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलेगी। महीने के अंत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। यूपी में हीट वेव का अलर्ट, अतुल कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ समेत लगभग 15 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों को पूरी बांह की हल्के रंग की शर्ट पहनाएं, फुल पैंट भी जरूरी है। अगर संभव हो तो सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक धूप में निकलने से बचें, वरना लू की चपेट में आ सकते हैं। उत्तराखंड में भी चलेंगी तेज हवा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि रविवार को प्रदेश में कई जगहों पर मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। सोमवार एवं मंगलवार को मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। 4000 मीटर से ज्यादा ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। दूर में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। हिमाचल में आंधी ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक आंधी और ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। आंधी ओलावृष्टि में वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की फसल व सेब के पौधों में आए फूलों को नुकसान हुआ है। केलंग सहित ऊंची चोटियों पर 3 इंच बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर रहने से कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। अधिकतर जगहों पर मौसम साफ रहेगा। 22 और 23 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा। ऐसे में आंधी में वर्षा के साथ ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।